वहीं सीएम घोषित किए जाने के बाद भूपेश बघेल देर रात अपने घर भिलाई पहुंचे। भूपेश बघेल के सीएम घोषित होने के बाद पहली बार भिलाई दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल का जोरदार स्वागत किया। इस बीच भूपेश बघेल ने लोगों का धन्यवाद करते हुए गलती करने वालों को जेल में डालने की चेतावनी दी। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं और उसके बाद हम उनके निवास में हैं जहां उनकी माताजी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके से कितनी खुशी है भूपेश बघेल जी नए मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। अब उसका कैसे वर्णन करूं बेटा, क्योंकि कितनी बात को ना वाणी से नहीं बोला जा सकता है। अब वो खुशी अंदर की बात है, गूंगे का गुड़। कई दिनों से सस्पेंस बरकरार था, चार दिन हो गए लगभग जो है पी एस सिंहदेव होंगे या फिर भूपेश बघेल होंगे, थाली सजा के रखे हैं आप किस तरीके? और इंतजार तो कर बहुत किए ना चार दिन चार दिन का, और ये सपना तो ओकर बाबू जी के है। हम लोग जैसे लोगों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ला करके दें, वो हमारी उम्मीद है बहुत ज्यादा उनके साथ, तभी उनको इतना ज्यादा बहुमत से जिताएंगे। 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने का, पहले इसको देखते हैं क्या करते हैं इसके बारे में, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप करते हैं, उम्मीदें काफी कुछ है उनसे। भूपेश बघेल में लोगों ने टीएस बाबा के अंदर शांति है, वो धैर्य वाले हैं, साहस वाले हैं, और दोनों की लड़ाई हमको काम आई छत्तीसगढ़ में, एक की नहीं दोनों के चलते हम आज कांग्रेस में बैठे हैं। बहुमत हासिल किया है और भूपेश बघेल जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री उन्होंने चुना है। मैं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करते हैं कि प्रदेश के हित में, जनहित में वो निश्चित रूप से बेहतर काम करेंगे।